बताओ भाई क्या हाल है कैसा चल रहा है सब कुछ यार कैसा फील कर रहे हो करियर ने ना एक रुख सा बदल दिया एकदम से ये जो टिफ हुआ है मेरे साथ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिल्कुल रुख बदल दिया है और गुनीत और करण सर को मैं कह रहा था बहुत टाइम से सर मैं बड़ा पेशेंस लूज कर रहा हूँ साढ़े तीन साल चार साल हो चुके हैं मुझे टीवी छोड़े हुए कॉन्शियस डिसीजन लिया है मैंने छोड़ा मैं ऐसा नहीं छोड़ दूंगा टीवी या फिर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन शूट करते हुए सीरीज फिल्म्स और टीवी का भपका अलग था सर है ना मैंने और मेरे कोच ने मिल के कॉन्शियस डिसीजन लिया हम दोनों ने कि भाई तू कम दिख तो ही तेरी फिल्में तू फिल्मों में एक्सेप्ट करेंगे तुझे लोग ऐसा भी होता है यार मुझे कोच ने मेरे सुना मैंने मुझे तो ये बोला है सर ने और मेरे पे मतलब वो काम आया मुझे अच्छा सर ने बोला तू तो हर जगह रील में दिखेगा हर जगह दिखेगा तो हर वक्त दिखेगा तो पिक्चर की क्या सरप्राइज फैक्टर रह जाएगा नहीं आ रहा मैं पिक्चरों में मेरे ख्याल से नहीं सही नहीं है ज़्यादा लंबा ना लेना ले लेना ले गैप <laughs> <laughs> तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा ओवर एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर कम अपना काम का टीवी से बहुत मिलता है तो ऑलरेडी थोड़ा रिस्क ले और फिल्मों का फिल्में कर ऑडिशन दे वेट कर तो किया मैंने और अब जाके हम टिफ गए टॉक ऑफ द टाउन थी हमारी फिल्म बहुत लोग ही गए थे हम कोई प्रमोशन के लिए नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं कि ढिंडोरे पीट के हम जा रहे हैं वहाँ टिफ में नॉर्मल गए थे मैं गुनीत करण सर लक्ष्य बढ़िया और डायरेक्टर हमारे निखिल सर और वहाँ पहले दिन हमारा प्रीमियर हुआ बड़ा नर्वस था मैं आ, मैं क्योंकि बहुत दो हजार पता नहीं कितनों का क्राउड और सारे गोरे फिल्म बफ्स हाँ। सिनोफेल क्या बोलते हैं ना क्या बोलते हो ना वो वो दवाई जैसा नाम हाँ वो सारे बैठे हैं और मैंने कहा यार ये साला इधर कैसे रिव्यूज़ होंगे क्या होगा नर्वस हो रहा हूँ मैं तो करण सर ने बोला जा जी ले अपनी ज़िंदगी से मैं बैठा हुआ फिल्म स्टार्ट हुई रिएक्शंस और हुटिंग्स और पॉपकॉर्न गिर रहे हैं और ये हो रहा है एंड में पाँच छः मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है गोरों से मैंने कहा यार ये कुछ गज़ब हो गया मैं और लक्ष्य ने फील किया नेक्स्ट डे से सारे इंटरनेशनल इंटरव्यूज और यू नो कोलाइडर और ये और रिव्यूज और मेरे बारे में लिखा जा रहा है कि भाई विलन ऑफ द ईयर और ये तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया अचानक से अचानक से यहाँ से भी फोन आने लग गए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो मैंने कहा यार दिस इज वॉट फिल्म फेस्टिवल इज इज दिस द फील ऑफ फिल्म फेस्टिवल वी वी सेलिब्रेट सिनेमा टू द फुलस्ट इट्स क्रेजी मैन क्रेजी अमेजिंग और आप का रोल प्ले कर रहे हो इस बार हाँ जी तो आपका जो कैरेक्टर स्क्रीन कैरेक्टर जो हमने यूजुअली देखा है कि hmm. आप हंसी मजाक कर रहे हो कभी Haan. ये जोक मार रहे हो हाँ। वो है वैसे तो मेरा रहे <coughs> सर का मजाक उड़ा रहे हो ये Haan. कर रहे हो वो कर रहे हो बट एज अ विलेन आई थिंक आप अपनी फर्स्ट फिल्म कर रहे हो एज अ विलेन हाँ yes. तो भाई कैसे किसका आइडिया था ये राघव जुयाल एज अ विलन विलन ऑफ द ईयर आइडिया तो यार ऐसा था कि मैंने ऑडिशन दिया था मैं ऑडिशन देता रहता हूँ कास्टिंग पे और एंटी कास्टिंग इधर मैंने देखा था इंटरव्यू आपका आप बोल रहे थे ऑडिशन देने में बड़ा मज़ा आता है मज़ा आता है मतलब हाँ कोलाबोरेशन वाला वो होता है थोड़ा मजा आता है मुझे कोई भी कोलाबरेटिव चीज़ में मजा आता है इसलिए सिनेमा चूज़ किया मैंने जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो कोलाबोरेटिव है वो गोल्फ वॉल्फ में मुझे इतना अच्छा फील नहीं है काफ़ी ऐसा है वो बैलेंस्ड गेम है ऐसा कुछ लेकिन फिर भी मुझे कोई कोलैबोरेटिव स्पोर्ट्स में जिसमें टीम वर्क हो कोलैबोरेशन हो लोग मिल रहे हो बात अच्छा लगता है तो वही मैं ऑडिशन दे देता दिया था कास्टिंग वे में अनमोल जो है उन्हें मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहा था रणवीर शौरी साहब और संजय मिश्रा जी के साथ बनारस में तो मैं उस अटायर में था तो मैंने उनको बोला सर मैं इस अटायर में हूँ मैं कह रहा दे दे जैसा देने दिया उनको पसंद आया सेकंड टेक हुआ वो टेप उनको पसंद आया गुरीत और सबको फिर मेरी मीटिंग में मिला फिर मिल गई फिल्म ऑडिशन से बढ़िया भाई आई एम sure है फिल्म तो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत कमाल कर रही है यार बस अब वेट है यहाँ पर रिलीज करने का मुझे पता है वायरल तो ठीक है लेकिन थोड़ा इंटेलेक्चुअल स्पेस में थोड़ी अच्छी किल आ रही है टोरंटो अच्छा। जा रहे हैं वैसा वाला वायरल